ओ सी आर बेस लाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन इसी के साथ स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है पेन एंड वेन हैव द सेम साउंड चूज द वर्ड दैट हैज द सेम साउंड एज टॉल तो सेम साउंड वर्ड को कहते हैं राइमिंग वर्ड यहाँ पर आपको टॉल का राइमिंग वर्ड देखना है जो कि हो जाएगा फॉल टॉल फॉल और बाकी सभी देखिए यहाँ पर फॉल एक फोर्थ ऑप्शन में भी दे रखा है तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे ये फॉल नहीं है ये फेल है ठीक है एफ ए आई एल है ये एक है फेल और एक है फूल ठीक है आपको सेकेंड ऑप्शन करेक्ट करना है सेकेंड क्वेश्चन है पॉट एंड हॉट हैव द सेम साउंड वर्ड चूज द वर्ड हैज द सेम साउंड वर्ड एंड सीट सीड ठीक है तो सीड का हो जाएगा रीड सीड रीड Choose the word. Complete this sentence. The bananas are blank. The basket. अब bananas कहाँ पर है basket के अंदर तो so, यहाँ पर के अंदर के लिए हो जाएगा in. Bananas are in the basket. Choose the word that uh, for the picture. तो so, यहाँ पर ये यह क्या है table. तो so, यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट कर देंगे table. Choose the missing letter in the word for the object shown below. तो so, यहाँ पर ये यह क्या है pen. तो so, P आ जाएगा यहाँ पर P E N pen. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑर्डर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जैड ठीक है तो ए बी सी डी से रिलेट है ये अल्फाबेट्स लिखने थे आपको डब्ल्यू से पहले क्या आ जाएगा यू वी डब्ल्यू फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर क्या आ जाएगा एच आई जे तो यहाँ पर एच आई आ जाएगा विच वन इज अपोजिट ऑफ फादर फादर का अपोजिट क्या हो जाएगा मदर माता पिता पिता माता सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कम्प्लीट फोर सेंटेंस आई सो अ कैप ब्लैंक द शॉप तो यहाँ पर हो जाएगा आई सो अ कैप इन दी शॉप मैंने कैप देखी शॉप के अंदर चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर ये क्या है ए कैटल तो यहाँ पर कैटल को कर देंगे के ई डबल टी एल ई कैटल केटली नेक्स्ट डेड टीट दी एंड आंसर क्वेश्चन बिलो तो यहाँ पर स्टोरी दे रखी है द कैट देयर वॉज अ कैट इट लाइक टू कैच रेड टू ईट रेट्स चूहों को पकड़ना उसे पसंद होता है और खाना भी पसंद होता है वन डे इट कुड नॉट फाइंड एनी रेट टू ईट एक दिन उसे एक भी चूहा नहीं मिलता है खाने के लिए सो इट वेंट टू लुक फॉर मिल्क वो देखने जाती है दूध को इट फाउंड अ बाउल फुल ऑफ मिल्क उसने पाया एक बाउल भरा हुआ दूध एंड ड्रैंक द मिल्क उसने पिया उस दूध को कैट वॉज हैप्पी कैट खुश थी तो क्वेश्चन है व्हाट डिड द कैट लाइक टू ईट क्या पसंद है कैट को खाना रेट ऑप्शन सेकेंड कैट फाइंड क्या मिला कैट को बाउल फुल ऑफ मिल्क एक कटोरी बाउल बाउल एक फुल ऑफ मिल्क का milk से भरा हुआ हाउ डिड द कैट फील इट द एंड फील कैसा हुआ कैट को एंड में हैप्पी ठीक है खुश तो ये डन होता है आपका बेस लाइन असमेंट ओ सी आर पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन इस